ओम माक्रीम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के धनु राशि के प्रभाव के बारे में। यदि आप देख पाते हैं कि आपकी जन्म पत्री का जन्म कुंडली में शुक्र जाके धनु राशि में विराजमान है तो क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देंगे, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। इससे पहले मित्रों, हमेशा की तरह एक प्रेम वाला आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें जिससे कि मैं वीडियो को और अच्छा बना पाऊं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, समझते हैं शुक्र के धनु राशि के प्रभाव को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, धनु राशि का स्वामी गुरुदेव है, ये देवताओं के गुरु है। वही शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है, शुक्राचार्य कहते हैं उन्हें, ये दैत्यों के गुरु है। इस आधार पर गुरु और शुक्र दोनों विपरीत दलों के हैं, क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और देवताओं और राक्षस विपरीत दल के हुए है ना, तो ये विपरीत दल के गुरु हुए। किंतु दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही शुभ हैं और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए जब भी शुक्र जाके धनु राशि में बैठेंगे, ये काफी सकारात्मक और अच्छे प्रभाव देंगे जातक को। यहां बैठ के शुक्र जातक को सुंदर और आकर्षित बना देते हैं। ऐसा जातक आप देखेंगे काफी सुंदर और आकर्षित रहेगा, बहुत जल्दी कोई भी इनसे मिलके इस जातक के प्रति आकर्षित हो जाया करेगा। यहां बैठ के जातक को पुण्यवान बना देते हैं। ऐसा जातक दान पुण्य में विशेष रुचि रखता है, पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जातक विद्वान और सुखी होता है जब भी शुक्र धनु राशि में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में काफी परिश्रम करता है और काफी धन कमाता है, नाम कमाता है, यश कमाता है, और इन ये जो अपने परिश्रम से जो धन कमाता है ऐसा जातक, ये काफी शुभ कार्यों में ऐसे धन को खर्च करता है, हमने देखा है। तो ओवरऑल जब भी शुक्र धनु राशि में बैठते हैं तो काफी अच्छे प्रभाव देते हैं। जातक जहां भी कार्यरत होता है वहां उच्च पद को प्राप्त करता है, उच्च पद पर आसीन होता है और बहुत ही उत्तम और नेक स्वभाव का होता है। तो आज हमने काफी कुछ चर्चा कर ली, कल हम बात करेंगे जब भी शुक्र मकर राशि में जाके बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। तो इसके साथ में ही आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।